नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेजोन पे के बारे में। अमेजोन पे में दोस्तों बहुत ही बुरी अपडेट आई है। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अमेजोन पे से दोस्तों आप लोग कोई भी यूटिलिटी पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कन्वेंस फी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये जो कन्वेंस फी है दोस्तों क्रेडिट कार्ड पे भी लगेगी और डेबिट कार्ड पे भी लगेगी। यानी दोस्तों आप लोग कोई भी यूटिलिटी बिल की पेमेंट करते हैं, चाहे आप दोस्तों क्रेडिट कार्ड से कीजिए चाहे आप डेबिट कार्ड से कीजिए, यहाँ पर आपको कन्वेंस फी जो है देनी पड़ेगी। चाहे आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कीजिए, मूवी की टिकट बुक कीजिए, बिजली का बिल भरिए, पानी का बिल भरिए, और कोई पोस्टपेड का बिल भरिए, कुछ भी कीजिए, यूटिलिटी पेमेंट यहाँ पर आप लोगों को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर अब जो है दोस्तों यहाँ पर कन्वेंस फी जो है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब कितनी कन्वेंस फी यहाँ पर आप लोगों को देनी पड़ेगी, साथ ही क्या आपका जो अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड है जो कि अमेजोन वाले का ही है, तो क्या अमेजोन पे पे अगर आप लोग अपने आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड से जो कि अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड है उससे यूटिलिटी पेमेंट करेंगे तो क्या उससे चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, उसके बारे में भी यहाँ पर पूरा डिटेल में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों से पहले बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक दोस्तों मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी लोगों को बहुत सारे दोस्तों अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक दे रखे हैं। तो आपको भी चाहिए क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मनपसंद बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिंक से कीजिए, अप्लाई कीजिए, मिल सकता है आप लोगों को भी इंस्टेंट अप्रूवल। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपने टॉपिक पर जो है वो वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे अमेजोन विल बी लीविंग 1.18% यानी 1.18% कन्वेंस फी ऑन ऑल क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड एंड 1% ऑन ऑल डेबिट कार्ड एक्सेप्ट रुपए डेबिट कार्ड। यानी कि यहाँ पर सभी दोस्तों आप लोगों को जितने क्रेडिट कार्ड है उससे आप लोग अमेजोन के थ्रू कोई भी यूटिलिटी पेमेंट करते हैं तो 1.18% की कन्वेंस फी लगेगी जिसमें जीएसटी अलग से लगने वाला है। साथ ही यहाँ पर जो अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उससे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं अमेजोन पे के थ्रू कोई यूटिलिटी पेमेंट करते हैं तो अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पे चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके अलावा बाकी सभी क्रेडिट कार्ड पे 1.18% का आपको चार्ज लगने वाला है। साथ ही यहाँ पर डेबिट कार्ड पर सभी डेबिट कार्ड पर 1% का चार्ज लगेगा यूटिलिटी पेमेंट के लिए, लेकिन अगर आपके पास रुपए डेबिट कार्ड होगा तो उस पर यहाँ पर कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं लगने वाले हैं। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस, नो चार्जेस एप्लीकेबल फॉर ऑल अदर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर दोस्तों जीएसटी के लिए माफी चाहूंगा मैं, जीएसटी इसमें इंक्लूड रहेगा, जीएसटी अच्छे नहीं लगने वाला है आपको। इन्होंने बोला कि जीएसटी आपको इसी के अंदर जो है वो लगने वाला है। अब यहाँ पर कौन कौन सी यूटिलिटी पेमेंट पे आप लोगों को यहाँ पर चार्जेस लगेंगे तो आप लोग देख पाएंगे, कन्वेंस फी इज एप्लीकेबल ऑन दी फॉलोइंग कैटेगरी, इलेक्ट्रिसिटी, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, पोस्टपेड, वाटर, म्यूनसिपल सर्विसेज, म्यूनसिपल टैक्स, केबल टीवी, एजुकेशन फीस, पाइप्ड गैस, इन सभी दोस्तों सर्विसेज में यहाँ पर आप लोगों को अब कन्वेंस फी देनी पड़ेगी। अच्छी खबर यह है अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड वालों के लिए, उनको यहाँ पर इन सर्विसेज के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बाकी सभी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होल्डर्स को यहाँ पर चार्जेस जो है वो लगने वाले हैं, बस रुपए डेबिट कार्ड को इससे छूट जो है वो दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को ये नई अपडेट कैसे लगी हमारे को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी फिर से बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक दोस्तों यहां पर मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मनपसंद बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिंक से लग कीजिए, अप्लाई कीजिए, मिल सकते हैं आप लोगों को भी इंस्टेंट अप्रूवल। बाकी दोस्तों हमें दीजिए अलविदा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।